अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन पर घोटाले के आरोप के बाद यूपी की सियासत गरमाई हुई है। घोटाले की ये आरोप आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और अयोध्या से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने लगाए हैं। इसके बाद से ही सभी विपक्षी दलों और ट्रस्टी की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस पर ट्रस्ट को घेरा है और राम मंदिर के लिए चंदे के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। इन आरोपों के बाद हमारी टीम ने विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष गोविंद शेंडे से बात की तो उन्होंने कहा कि इन लोगों की मानसिकता ही मंदिर ना बने इस तरह की है, इससे कुछ नहीं होगा, लोगों का श्री राम पर विश्वास है। राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए पूरे देश भर से जिस प्रकार का एक समर्थन प्राप्त हुआ, जिस प्रकार से लोगों ने अपनी क्षमता से अधिक और दान देकर के इस राम मंदिर के निर्माण के लिए अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया, उससे कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं के पेट में बड़ा दर्द पैदा हुआ है, जिन्होंने राम के अस्तित्व को अस्वीकार किया, जिन्होंने राम सेतु को तोड़ने का प्रयत्न किया, जिन्होंने इस राम मंदिर के निर्माण के लिए अनेक प्रकार के अड़ंगे खड़े किए कोर्ट से लेकर के बाकी सब स्थानों पर। ये जो आरोप जिस व्यक्ति ने लगाया है, जिन लोगों ने लगाया है, ये सब उसी मानसिकता के लोग हैं कि कैसे इस मंदिर के निर्माण को रोका जाए, कैसे इस राम मंदिर के ऊपर, जिनके ऊपर भरोसा करके लोगों ने भरभरा करके पैसा दिया है, उनके मन के अंदर एक भ्रम कैसे पैदा किया जाए। इस प्रकार की मानसिकता को लेकर के किया गया यह एक कुत्सित प्रयास है, असफल प्रयास है। इनको इसके अंदर सफलता मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जनता का विश्वास है। और ये जो कुछ बातें आ रही है उसका स्पष्टीकरण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री माननीय चंपत राय जी ने दिया हुआ है, विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष माननीय आलोक जी ने दिया हुआ है, जिससे कि पूरी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। इसलिए इस आरोप के अंदर कोई दम नहीं है, यह आरोप निराधार है, निरर्थक है, भ्रम फैलाने वाला है, कुत्सित प्रयास है राम के प्रति अश्रद्धा निर्माण करने का एक प्रयास है, और इसे इनको कभी इसके अंदर सफलता प्राप्त होने वाली नहीं है। देश की जनता राम जी के ऊपर विश्वास करके राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के साथ पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ खड़ी है, इसलिए इस सब बातों की तरफ ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। विश्वास यह सबसे बड़ा है, और उस विश्वास को तोड़ने का प्रयास यह कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं, इनको सफलता नहीं मिलेगी।